हेलो बच्चों, सब लोग आए हैं पढ़ने के लिए? आ गए हैं? सब लोग अपना अपना बुक ओपन करें। देखिए, कल हम सब पढ़े थे लेसन फोर का सब्ट्रैक्शन। क्या पढ़े थे? लेसन फोर का सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होता है? घटाना होता है, ठीक है? किसी भी नंबर को दूसरे नंबर को माइनस करना है, ठीक है? तो कल हम लोगों ने सिर्फ यही पढ़ा था कि सब्ट्रैक्शन क्या करना है, नॉर्मल तरीके से करना था, उसमें उधार नहीं लेना था, ठीक है? उसमें उधार नहीं लेना था। लेकिन अभी हम सब क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन विद बॉरोइंग, यानी कि उधार लेना। उधार लेकर के हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन लेना है, करना है। जैसे मान लीजिए आपने किसी से 6 रुपये लिया, ठीक है? फिर उसे 6 रुपये वापस करने हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 5 रुपये हैं, तो क्या आप उसे दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, ठीक है? जैसे कि ये समझिए कि आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं, ठीक है? और आपको किसी दूसरे को 3 चॉकलेट्स देने हैं, तो क्या आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। आप जाएंगे दुकान से लेकर आएंगे एक ठो और, तब उसको देंगे, है ना? तो इसी को क्या कहते हैं? बारो कहते हैं, ठीक है? उधार लेना। तो आज हम वही पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन, ठीक है? इसमें देखिए पहला एग्जाम्पल दिया है, सब्ट्रैक्ट 346 फ्रॉम 562। हमको इस नंबर में इसको माइनस करना है, जो फ्रॉम का होता है लास्ट वाले से हम पहले लिखते हैं और इसे हम बाद में लिखते हैं, ठीक है? देखिए जो मेरा बाद का नंबर है वो पहले लिखते हैं, यहां पर लिखे 562, और जो पहले का नंबर है उसको हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं 346, ठीक है? क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देखिए ये मेरा 1 है, ये मेरा 10 है और ये मेरा 100 है, आप सबको पता ही है ना? तो 2 है और 6 है, मैंने 2 लाइन खींचा और 6 लाइन को माइनस करना, तो क्या ऐसा हो पाएगा? 2 लाइन है और 6 लाइन को घटाना है, काटना है, तो क्या कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। तो ये इसके पास जाएगा, 6 के पास, यानी कि 10 नंबर के प्लेस पे जाएगा और बोलेगा कि भैया आप मुझे 1 रुपये दे दीजिए या 1 उधार दे दीजिए, ठीक है? तो जब ये इससे लेकर आएगा तो इसके पास कितना हो गया? 12 हो गया। कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है? अब इस 12 में से 6 को क्या करेगा? माइनस कर देगा। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लाइन है और अब 6 लाइन क्या करना है? इसको कम करना है, तो काट दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां से 6 लाइन मैंने काट दिया, आप कितना बचा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पे 6 हो गया, ठीक है? अब देखिए इसके पास कितना था? 6 था, लेकिन 1 इसने क्या किया? इसे दे दिया, तो अब इसके पास कितना बचा? सिर्फ 5 बचा है। कितना बचा है? 5 बचा है। अब 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है? आई बस समझ में? नहीं आई? मैंने आपको बताया था ना कि 1 का सिर्फ 1 में ही माइनस करेंगे, 10 का 10 से माइनस करेंगे और 100 का 100 से माइनस करेंगे। चलिए आप एग्जांपल से, एक्सरसाइज का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? देखिए सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, यहां जो नंबर दिया हुआ इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना, यानी घटाना है, ठीक है? तो पहला नंबर है 493285, 1 के प्लेस पे 35 है, 10 के प्लेस पे 98 है और 100 के प्लेस पे 4 और 2 है, ठीक है? यहां 3 है, क्या 3 में से 5 जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ क्या है? 3 लाइन है, लेकिन कौन उधार ले रहा है? 5 जाना है ना, 5 लाइन काटने हैं, तो क्या 5 लाइन कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये इस 9 के पास जाएगा, देखिए 9 के पास गया, इससे क्या ले लिया? 1 उधार ले लिया, तो उसके पास कितना हो गया? 13 हो गया। कितना हो गया? 13 हो गया, ठीक है? अब इस 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, क्योंकि आप नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं, ठीक है? अब जब इसने इसको 1 दे दिया है तो इसके पास कितना बचा? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 बचेगा। इस नंबर को हम लोग काट देंगे, ठीक है? तो 8 में से 8 जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार आगे देखेंगे, 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, है ना? तो ये इसके पास जाएगा, तो इसके इससे उधार ले लेगा ये, ठीक है?
तो इसके पास कितना हो जाएगा 16, हो गया 16, इसको काट दिए। अब 16 में से क्या करना है, 8 को माइनस करना है ना, 16 में से 8 को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्योंकि देखिए जब यहाँ पे 60 है तो 60 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हो गया 16 लाइन। कितना काटना है हमको, 8 लाइन काटना है, तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन काट दिए। अब कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ क्या आ गया, 8। एक तो इसने उधार दे दिया था, तो इसके पास कितना बच गया, सिर्फ 1 बच गया, तो 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 9 है इसके पास, इसने तो उधार नहीं दिया है, तो ये पूरा टोटल 9 ही रहेगा, तो 9 में से 3 गया 6, ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे एक और करेंगे, यहाँ पे देखिए 6 में से 8 नहीं जाएगा, तो ये इससे क्या लेगा, उधार ले लेगा, 12 कर लेगा एक टू, तो इसके पास कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। इसके पास जब इसने दे दिया, इसको एक दे दिया है, तो कितना बचा, 4 बचेगा इसके पास, क्योंकि एक टू इसने दे दिया, 4 में से 2 गया कितना आएगा, 2 आएगा, और 4 में से 1 गया तो 3 आएगा, ठीक है, आप सबको समझ में आ गया है। चलिए एक और देखते हैं, देखिए अभी यहाँ पे 0 आ गया, क्या आ गया, 0, 0 में से 2 तो जाएगा नहीं, ये इसके पास जाएगा, बोला भैया भैया मुझे एक ठो रुपया दे दीजिए, तो अब इसके पास कितना हो गया, 10 हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया, और ये कट गया। अब 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, है ना। जब इसने इसको दे दिया एक ठो, तो इसके पास कितना बचा, सिर्फ 1 बचा। अब 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि 1 है और 1 लाइन मैंने काट दिया, तो 0 बच गया यहाँ पे। 5 में से 3 चला जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 में से क्या करना है, 3 काट देना, कितना बचा, 1 2, यहाँ क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, बात आई समझ में। ऐसे ही आगे है, देखिए 3 6, तो 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, एक इससे उधार लिया, यानी कि ये 3 इसके पास जाएगा, बोलेगा भैया मुझे उधार दे दीजिए, तो ये उधार लेकर आएगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और ये नंबर कट गया। अब 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। जब इसने इसको दे दिया, तो इसके पास कितना बचा, 3, 3 में से 3 गया 0 हो गया, 6 में से 2 गया 4 हो गया, आप सबको समझ में आ गया होगा। तो ये आप सब अपने अपने बुक पे करिएगा, ठीक है, सभी लोग बुक ओपन करके इसको कर लीजिएगा, अभी भी बुक ओपन किया है ना। एक और एग्जांपल देखेंगे अंतिम, 4 है, एक बार फिर बता दे रहा हूं, यहाँ पे 4 है, 4 में से 6 जाएगा नहीं, इससे क्या करेगा, एक उधार ले लेगा, तो इसके पास कितना हो गया, 14 हो गया, और ये कट गया, तो 14 में से 6 गया तो 8 आएगा, और इसके पास एक दे दिया तो 1 बचा सिर्फ, तो 1 में से 1 गया तो 0 हो गया यहाँ पे, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप सबको आ गया है, आ गया सभी को, अगर आ गया है तो अच्छी बात है, हम सब फिर आगे कल मिलेंगे। तो आप सब पेज नंबर 44 और पेज नंबर देखिए 45, पेज नंबर 44 और 45 क्या है, आप सबका होमवर्क है, और आप सब इसे पूरा पूरा कर लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में बोल दीजिए, सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आप सबको फिर से एक बार समझाऊंगा, लेकिन आप सब इसे क्या करेंगे, होमवर्क के तौर पर कर लेंगे। हम लोग कल मिलते हैं, ओके, आज के लिए बस इतना ही।